क्या पंजाब अब भारत से अलग हो गया है? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक युवती को भारतीय ध्वज की फेस पेंटिंग के कारण स्वर्ण मंदिर में जाने से रोक देने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गार्ड और युवती बहस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में गार्ड कहते हुए सुनाई दे रहा है कि ये भारत नहीं है, ये पंजाब है। इतना ही नहीं, इस दौरान गार्ड युवती के साथ बदसलूकी करते हुए भी नजर आया। दरअसल जिस युवती के साथ गार्ड ने बदसलूकी की, उसने अपने चेहरे पर तिरंगा बना रखा था। आरोप है कि युवती के चेहरे पर तिरंगा बना होने के कारण उसे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। वहीं आपको बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा परिसर में एक कमेटी है, उसके अधिकारी ने इस पूरे मामले पर माफी मांगी, लेकिन दावा किया गया कि युवती के चेहरे पर जो पेंटिंग थी वो भारतीय ध्वज नहीं था, क्योंकि उसमें अशोक चक्र नहीं था। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब हम अपने फेस पर भारत का झंडा बनाते हैं, ध्वज बनाते हैं, तो उस वक्त क्या हम उसमें अशोक चक्र बनाते हैं? हम सिर्फ तीन रंग बनाते हैं, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, हम सिर्फ तीन रंग अपने फेस पर तीन रंग से पेंटिंग बनाते हैं, जो बताता है कि हम हिंदुस्तान से कितना प्यार करते हैं। वहीं अब यह हवाला दिया जा रहा है कि उसमें अशोक चक्र नहीं था और वो भारत का ध्वज नहीं था। आपको आगे बता दें कि एसजीपीसी के महासचिव गुरुचरण सिंह ग्रोवल ने समाचार एजेंसी को बताया कि यह एक सिख धर्म स्थल है। हर धार्मिक स्थल की अपनी मर्यादा होती है, हम सभी का स्वागत करते हैं, अगर किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो हम माफी चाहते हैं। युवती के चेहरे पर लगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, ये वहां के लोगों का कहना है, क्योंकि हमने अशोक चक्र नहीं देखा, ये एक राजनीतिक झंडा हो सकता है। ऐसे में ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों के मन में सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या अब पंजाब भारत से अलग हो गया है? क्योंकि एक और अभी अमृतपाल सिंह का ये जो पूरा मामला चल रहा है, अमृतपाल सिंह पकड़ में नहीं है, दूसरी ओर पंजाब में इस तरीके की वीडियो वायरल होना, ऐसे में लाजमी है कि लोगों के दिलों में सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में आगे कुछ क्या कुछ जानकारी आती है, तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।